हम भी मांग करते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे, क्योंकि उनको सुखू नहीं मानता है। वो तो आपस में नहीं मानते हैं एक दूसरे को, हम तो हमारे तो जो है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मैंडेट गया है। नियमों में प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन जो लाने वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनके पास गिनती कितनी है। आधे से कम तो उनकी गिनती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो जब गिने गए वोट ऊपर, तो उनका एक वोट जो है नदारद पाया गया, उनको 22 ही वोट मिले थे। अब यहाँ पर CPI को साथ मिला करके जो है वो हेडकाउंट तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो तब होता है अगर कोई हमारे लोग टूटने वाले थे या टूट हुई होती, कोई कुछ और होता है। हमारा तो इजाफा हुआ है, दो हमारे जो इंडिपेंडेंट हैं हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट हैं उसके हिसाब से जो है वो देंगे। तो ये केवल मात्र मुद्दा विहीन अपोजिशन है, ये सारे देश भर में जो है वो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनके नेता जमानतों पर हैं, चाहे ऊपर लें चाहे प्रदेश में लें, तो इसलिए जो है वो अपने उस को जो है ख़त्म करने के लिए, जिससे जो है वो रूल ऑफ लॉ ना चले हिंदुस्तान में, इस प्रकार के जो है वो मुद्दे जो है खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर ये बहस कर सकते थे, इन्होंने बाढ़ के ऊपर जो है वो नोटिस दे रखे थे, सेब के ऊपर नोटिस दे रखा था, उस पर चर्चा ना करके जनरल जो है वो एक माहौल जो है वो कि हमारे को जो है इलेक्शन के लिए माहौल मिल जाए, क्योंकि निचले लेवल पर जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ जनता को नहीं कोई संबोधित कर रहा है। वहाँ पर अभी हमारे एक विधायक जो हैं वो रोजगार यात्रा चला रहे हैं, और वो नान में गए तो वहाँ पर जो है आपस में भिड़ गए, नालागढ़ को जा ही नहीं सके क्योंकि जाते तो वहाँ पर सिर फट जाते। तो इस चीज़ से जो है वो अपने आप को बचाने के लिए ये यहाँ पर सुर्खियों में मनने के लिए, ताकि मीडिया में जो है इनकी बात जो है वो छप जाए, क्योंकि विधानसभा में बोलेंगे तो छपेगी, इसलिए जो है उसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव है। अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव का क्या हशर होने वाला है ये इनको भी मालूम है, सारे हिमाचल प्रदेश को भी मालूम है, दुनिया को भी मालूम है। सर, मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि प्रस्ताव आया। देखिए, वही कह रहा हूँ ना मैं, प्रस्ताव आया तो फिर क्या हो गया, प्रस्ताव नियमों में आता है ना, उसके लिए मेजोरिटी लानी पड़ती है, इनको मेजोरिटी लेकर के आए हैं ना। जब मेजोरिटी लेकर के आएंगे विधानसभा के चुनाव के बाद, तब ये होगा। इस्तीफे का क्या मतलब है, हम भी मांग कर दें कि मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे, क्योंकि उनको सुखू नहीं मानता है। वो तो आपस में नहीं मानते हैं एक दूसरे को, हम तो हमारे तो जो है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मैंडेट गया है। मैंडेट जो है वो जनता ने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इनको इंतजार करना चाहिए, जनता में अपनी बात रखनी चाहिए। अगर जो है चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में ये आ जाते हैं तो इनका स्वागत होगा, इनको मैंडेट मिलेगा। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वेगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।